इल्मी डायरी के मौजूद दोस्तों, मैं हूं जहांज़ेब मुख्तार और आप सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी कबीले के दो वहशी और ख़तरनाक कबीले रह चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज्यादतियाँ और जुल्म करते थे और इंसानी बस्तियाँ तबाह कर देते थे। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना तौर तरीकों के बायस एशिया के जनूबी और मगरबी हिस्सों पर हमले किया करते थे। बाज़ माहिरीन का कहना है कि याजूज और माजूज के शहर चीन और तिब्बत से लेकर बहर मुंजमन शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। ज़ुल्करनैन के दौर में याजूज और माजूज के हमले शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जिसकी वजह से ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर करवाई। ज़ुल्करनैन और इसके दीवार का जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ में आया है। ज़ुल्करनैन कौन है और इसका लकब किस शख्सियत को मिला है, इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। तारीख के मुताले के बाद तारीख दानों ने ज़ुल्करनैन और उनकी बनाई हुई दीवार से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से कदीम मुफक्किर और उल्मा सिकंदर आजम को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, बल्कि कुछ तारीख दान इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि ज़ुल्करनैन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, जबकि जदीद तारीख दान ईरान के बादशाह साइरस को ज़ुल्करनैन कहते हैं और ये अंदाजा काफी हद तक वाज़ेह है। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर यह साबित नहीं हो सका कि आया ज़ुल्करनैन कौन थे। ज़ुल्करनैन एक ऐसा बादशाह था जिसको अल्लाह ताला ने बाबा वसाइल से नवाजा था। वो मशरिकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा, जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान मजीद की सूरत में याजूज और माजूज का जिक्र करते हुए ज़ुल्करनैन के अहवाल कुछ यूँ बयान किए गए। और जब वो शुमाली मुहिम के दौरान 100 पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो वहाँ उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले समझ थी। फिर जब इसका तर्जुमा किया गया तो पता चला कि इसका मतलब है कि याजूज और माजूज फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। और फिर इस बात की तफसील दर्ज है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने याजूज और माजूज के हमलों से बचाने के लिए दीवार तामीर करवाई। और ये दीवार कोई ख्याली नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे आर्जी तौर पर याजूज और माजूज दब गए। जब ये दीवार तामीर हुई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इन लोगों की जिंदगियों को बचाया जो याजूज और माजूज के हमलों से परेशान थे, और ये भी बताया कि ये दीवार मजबूत जरूर है लेकिन लाजवाब नहीं, जो चीज बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो इसको खाक कर दिया जाएगा और मेरे रब का वादा बरहक है। अब सवाल रहा कि ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार कहाँ पर है, तो इसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी 5 दीवारें दरियाफ्त हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में जंगी हमलों से बचने के लिए बनाई थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 से 1500 मील तक किया गया है, लेकिन ये दीवार लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। बास तारीख दान कहते हैं कि वो दीवार यमन में दीवार मारक है। ये बात ठीक है कि ये दीवार कोहिस्तानी दर्रे में वाकई है, लेकिन वो दीवार पानी को जखीरा करने के लिए बनाई गई है और वो लोहे और तांबे से बनी हुई है। जबकि जदीद उल्मा मुहक्कीन इस बात पर दलील देते हैं कि सरजमीन कफकास में दरिया खजर और दरिया सयाह के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है जो दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इस दीवार में एक मशहूर दर्रा भी है जो दर्रा दारियाल कहलाता है। यहाँ अभी तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है, इसलिए बहुत से लोगों का ये नजरिया है कि यही दीवार दीवार ज़ुल्करनैन है। अगरचे दीवार ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत दीवार बनाई गयी जिस पर चढ़ कर याजूज माजूज का आना नामुमकिन है, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देंगे। इस वादे से मुराद करीब याजूज और माजूज के जहूर का है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने से तशबीह दी है। एक हदीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म उनके खरूज का होगा तो वो कहेंगे कि इंशाल्लाह हम कल इसको खोद देंगे, और फिर वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और इंसानों को खाने से भी गरेज नहीं करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ खुराक की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज और माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गर्दनों और आंखों में कीड़ा पैदा कर देगा जो कि फोड़ा बन जाएगा और ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बदबू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर ना जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी और उससे पूरी जमीन साफ हो जाएगी। दोस्तों, आखिर में बताते चलें कि हदीस में आता है कि याजूज और माजूज का जहूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।
अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।